bite. This is GoPro. और इनका मालिक इनके साथ ही जा रहा है। के साथ ये बड़ी नफाकत के साथ
के साथ। ये बड़ी नफाकत के साथ लकड़ी के इस स्टैंड के ऊपर गाइस ये इनका किचन एरिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत और सलीके के साथ बर्तन जो है ये धो के यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये बर्तन रखने के लिए इस तरह लकड़ी का बनाया हुआ स्टैंड ताकि जो जानवर वगैरह हैं वो इन तक ना पहुँच सकें। यहाँ पर अपना खाना शाना बनाते हैं और ये साथ ही बिल्कुल तंदूर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ताज़ा जो है वो रोटी बनाई जा रही है। और ये बोतल है, जब आपने बाहर कहीं जाना होता है तो इस तरह की बोतल में पानी कैरी किया जाता है। इसके ऊपर जो है कपड़ा लपेटा होता है ताकि इसका जो पानी है देर तक ठंडा रह सके। गाइज इन्होंने इन सब जानवरों के नाम रखे हुए हैं इन्हें पहचानने के लिए, तो अंकल से पूछते हैं कि इनके क्या क्या नाम है। इनके नाम कटिए परत जड़ी खड़ी है, उनके नाम भोलिए, उनके नाम जड़ी ढोलिए, इनके नाम रेशमिए, उनके नाम कज्जाल है, उनके नाम भूर है, अच्छा उनके नाम सुरमाइए। अंकल ये किस लिए बनाए आपने ये वाले? मुर्गियों वास्ते। अच्छा ये भी मुर्गियों के लिए? अच्छा सर्दियों में इसके अंदर आप मुर्गियाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये जो छत बनाई है ये आपने किसकी बनाई है, काने वगैरह डाले हुए? हाँ जी काने सर। अच्छा ये सर्दियों वास्ते बिच भाषा बाल की थी, ये धूं नहीं थींदा। अच्छा जी जी ये धूं नहीं थींदा सर्दियों वास्ते बनाइए। सही जी गर्मी दी तो धुआं कहाँ से निकलता फिर? इतू बिचू निकल आया। अच्छा ये जो सुराख बने? हाँ ये सुराख ये बनाया इतू निकल आया। अच्छा निकल आया तो धुआं अंदर नहीं रुकता? उतने नहीं रुकता।
ये इनका किचन है, ये सर्दियों में एज ए किचन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी ये गर्मी का मौसम है तो अभी बाहर अपना खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो फिर ये इसको सेटअप इसका करके तो फिर यहाँ पर अपना खाना बनाते हैं। अभी इन्होंने एज ए स्टोर इसको यूज किया हुआ है। ये छत आप देख सकते हैं इसकी, ये इसके ऊपर काने वगैरह यूज हुए हैं तो कितनी खूबसूरती के साथ ये बनाई गई है। ये मेरे चाचू हैं जी, ये आज मेरे साथ हैं डेजर्ट में, वीडियो शूट कर रहे हैं और ये दुबई होते हैं और रिसेंटली ये कल ही यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं। तो चाचू बताएं कैसा लगा यहाँ आकर आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा, बहुत पुरानी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं ये गांव के साथ और बहुत देर के बाद देखा है ये सब, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इधर के लोग, इधर की चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी हैं, बहुत अच्छी हैं। चलें, थैंक यू सो मच।